आज हम सब लोग जानेंगे सर्प की जीभ दो भागों में क्यों फटी हुई है। इसका रहस्य जानने के लिए आज वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। ये कथा पौराणिक कथा है, जो हमने संक्षिप्त महाभारत गोरखपुर प्रेस से लिया गया है। आइए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट कहानी पर बात करते हैं। ये महाभारत से ली गई है। जो कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं, उनमें से दो पत्नियां, यानी एक का नाम था कद्रु, एक का नाम था बिनता। बिनता और कद्रु दोनों अपने महल की छत पर बैठी हुई थीं, अपने केसों को सुखा रही थीं। और एक बात और बता दें, कद्रु के पैदा हुए थे सर्प और बिनता के पैदा हुए थे पक्षी गरुड़। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात थी, बिनता और कद्रु दोनों अपने महल की छत पर बैठी हुई हैं। उन्होंने क्या देखा है कि एक आकाश में श्वेत रंग का घोड़ा उड़ता हुआ जा रहा है। जैसे ही कद्रु ने बिनता से ये कहा है कि देख बहन, घोड़ा सफेद रंग का उड़ता हुआ जा रहा है, उसी समय बिनता कहने लगी, ये घोड़ा ये इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पूरा घोड़ा सफेद है। उसी समय कद्रु कहने लगी, घोड़ा तो पूरा सफेद है लेकिन इस घोड़ा की पूंछ काली है। बिनता कह रही है, नहीं, घोड़ा पूरा सफेद है। कद्रु कह रही है, घोड़ा सफेद है लेकिन पूंछ काली है। इसी बात को लेकर के बिनता और कद्रु में दोनों में बहस छिड़ जाती है और एक शर्त लग जाती है। कद्रु ये कहती है कि सुन बिनता, अगर घोड़ा की पूंछ काली निकली तो तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा, और यदि घोड़ा पूरा सफेद निकला तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। बिनता कद्रु में दोनों में बात होने के बाद ये शर्त लग जाती है। और जैसे ही वो अश्वसर्वा नाम का घोड़ा जमीन पे जैसे ही आया तो क्या देखा कद्रु ने कि हकीकत में घोड़ा पूरा सफेद रंग का है, श्वेत रंग का है। लेकिन कद्रु के दिमाग में एक बात आई कि अगर बिनता ने इस घोड़े को देख लिया तो मुझे बिनता की दासी बनना पड़ेगा। इसलिए कद्रु ने अपने पुत्रों से ये कहा, सर्पों से, कि तुम ऐसा करो, जाकर के इस घोड़ा की पूंछ पे लपेटा मार लो, ताकि ये घोड़ा तो पूरा सफेद रंग का हो जाएगा लेकिन इसकी पूंछ काली हो जाएगी। अब सर्पों ने जाकर के उस घोड़े की पूंछ पे लपेटा मार लिया, घोड़ा पूरा सफेद रह गया और उसकी पूंछ काली हो गई। भक्तो, धीरे धीरे जैसे ही वो घोड़ा बिनता के सामने से गुजरा, कद्रु ने कह दिया, देख बहन, घोड़ा तो पूरा सफेद रंग का है लेकिन इसकी पूंछ काली है। उसी दिन से छल कपट से कद्रु ने बिनता को अपनी दासी बना लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। मित्रों, एक दिन जब गरुड़ को यह बात मालूम पड़ी कि सर्पों की बदौलत मेरी माँ दासीपन में है, मेरी माँ दासीपन भोग रही है, उसी समय पक्षीराज गरुड़ ने जाकर के ये कहा है सर्पों से, एक बात बताओ, तुम हमारी माँ को दासीपन से कैसे छुटकारा दोगे। उसी समय ये कहा था सर्पों ने कि अगर तुम हमें अमृत का कलश ला करके दे दो तो हम तुम्हारी माँ को दासीपन से छुड़ा देंगे। मित्रों, इतनी बात सुनने के बाद में जैसे ही पक्षीराज गरुड़ जिंदगी में पहली बार आकाश में उड़ान भरी और उनके शरीर में इतना तेज था कि मानो स्वयं भगवान भास्कर पूरब से निकल करके पश्चिम की तरफ भाग रहे हों, उसी समय जैसे ही भगवान विष्णु ने ये देखा, विष्णु भगवान ने आकर के रास्ता रोक लिया, विचार किया कि तुम कौन हो, अगर तुम्हारे शरीर में इतनी तेज है, इतनी चमक है, तो एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर में शक्ति कितनी है, ताकत कितनी है तुम्हारे अंदर। भगवान विष्णु की ये बात सुनने के बाद गरुड़ ने जवाब दिया है कि प्रभु, वैसे अपने शरीर के बल का बखान करने से अपने मुंह से बल कम हो जाता है, यदि आप पूछना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस पृथ्वी को वृक्षों सहित उठा करके अगर मेरे एक ही पंख पर रख दिया जाए तो मैं अनंत वर्षों तक, बहुत वर्षों तक बिना खाए पिए आकाश में उड़ता रहूंगा। उसी समय भगवान कहने लगे हैं कि तुम हमारी सवारी बन जाओ और हमसे कुछ वरदान मांग लो। उसी समय पक्षीराज गरुड़ ने ये कहा है कि प्रभु, अगर ये अवसर मुझे मिल जाए तो इससे ज्यादा मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या होगी। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं ये वर मांगता हूँ कि आज के बाद में अगर मैं भोजन करूँ तो इन सर्पों का ही करूँ, क्योंकि इन सर्पों की बदौलत मेरी माँ दासीपन में भोग रही है, दासीपन में पड़ी हुई है,
इतनी बात कहने के बाद पक्षी राज गरुड़ जैसे इंद्र के पास में पहुंचते हैं। इंद्र के यहाँ से जो कलश रखा था अमृत का, उसे अपने पंजों में दबा करके लेकर के आते हैं। इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया और वज्र की चोट कभी खाली नहीं जाती। वज्र का मार रखने के लिए गरुड़ ने अपनी इच्छा से एक पंख वहीं पे गिरा दिया। भक्तों, धीरे धीरे जैसे ही अमृत का कलश ला करके सर्पों को दिया है और कांसों का आसर लगा करके जैसे ही अमृत का कलश वहां पे रखा और सर्पों से ये कहा कि लो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैं अमृत ले आया। सर्पों ने विचार किया कि अब तो संसार में हमारी यश कीर्ति फैल जाएगी, हमें अब किसी का भय नहीं रहेगा, संसार के ऊपर हमारा अधिकार होगा, क्योंकि अब हम सब लोग अमर हो जाएंगे। सर्पों ने विचार किया कि चलो इस तालाब में स्नान कर लेते हैं, उसके बाद में स्नान करने के बाद हम इस अमृत को पिएंगे। अब अमृत की खुशी में तभी सर्प खुशी मनाते हैं, बड़े हर्ष उल्लास से किलोले करते हैं, लेकिन मौका पाकर के इंद्र आया और उस अमृत के कलश को उठा ले गया। लेकिन इधर जैसे ही जब सर्प निकल करके आए, उन्होंने अमृत का कलश तो नहीं देखा, अब जो कौंसों का आसर लगा हुआ था तो सर्पों ने उन कौंसों को ही चाटना शुरू कर दिया। कांसों को चाटते रहे, कांसों के चाटने से सर्पों की जीभ बीच में से दो भागों में फट गई। मित्रों, जी हाँ, आपने बिल्कुल सत्य सुना, ये बहुत ही पौराणिक कहानी है जो महाभारत से ली है। सर्पों की जीभ तभी से दो भागों में वितरित हो गई। आज तक आपने देखा होगा सर्पों की जीभ बीच में से दो भागों में फटी हुई है। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ ये कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।